आपका घर बहुत बड़ा है इसका भी महत्व नहीं है, लेकिन घर आपका कितना प्रयोग में आ रहा है और आपका घर कितना साफ सुथरा है, आपके घर की सेटिंग कैसी है, इस बात का ज्यादा महत्व। आप बहुत बुद्धिमान हैं, बुद्धिमानी का महत्व खाली बुद्धिमान होने से नहीं, आपने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग कितना किया है। बुद्धिमान उसे कहते हैं जो विषम परिस्थितियों में भी सफलता का रास्ता ढूंढ लेता है। बुद्धिमान उसे कहते हैं जिसे घर के लोग भी टांग पकड़कर खींचते रहते हैं फिर भी आगे निकल जाता है। बुद्धिमान उसे कहते हैं जिसको आसपास के लोग दारू पीना सिखाना चाहते हैं फिर भी वो सीखता नहीं है और व्यसन मुक्त रह करके उन्नति करता है। बुद्धिमान उसे कहते हैं जो कुसंगत में न बैठकर सत्संग में जा करके अपनी बुद्धि के ऊपर और धार रखता है, तेज करता है उसको। बुद्धिमान उसे कहते हैं जो व्यक्ति चार गालियों को सह करके और फ्यूचर के वाइब्रेशन से बचता है। बुद्धिमान वह है जो आलस्य को छोड़ करके मेहनत करता है। बुद्धिमान वह है जो धन कमाकर धन का सदुपयोग करता है। बुद्धिमान वह नहीं है जो धन कमाकर जुआ खेलता है, दारू पीता है। बुद्धिमान वह नहीं है जो अपनी पत्नी से झगड़ा रोज करता है। बुद्धिमान वह नहीं है जो घर में गंदगी फैलाता है। बुद्धिमान वह नहीं है जो दुनिया में अपयश को प्राप्त करता है। बुद्धिमान वह है जिसके यश और कीर्ति की किरणें पूरे संसार में फैल जाती हैं, वह व्यक्ति बुद्धिमान होता है। कितने लोग कहते हैं कि हम बुद्धिमान तो बहुत थे लेकिन हमारे पिताजी हमारी बुद्धिक प्रयोग कहीं नहीं पाएंगे। पिताजी के पास यदि बुद्धि होती तो ये अपने ने बुद्धिक प्रयोग कर लेती, वह बहुत रहे। न पिता के पास बुद्धि है न तुम्हारे पास बुद्धि है। बुद्धिमान की बुद्धिक प्रयोग ये बुद्धू पिता कैसे करेगा। बुद्धिमान खुद अपनी बुद्धि का प्रयोग करे, रास्ता निकाले। बुद्धों के लिए हर चीज समस्या बन जाती है और बुद्धिमान के लिए हर समस्या समाधान बन जाती है, समाधान बन जाती है। बुद्धों के लिए हजार बहाने मिल जाते हैं और बुद्धिमान हर बहाना को किनारे करके नया रास्ता खोलना जानता है। याद रखना, तुम कहते हो कि हमारे घर की परिस्थिति ठीक नहीं थी इसलिए हम पढ़ लिख नहीं पाए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के घर की परिस्थिति सबसे ज्यादा बिगड़ी थी, वो पढ़ लिख भी गए और प्रधानमंत्री भी बन गए। आज का जो प्रधानमंत्री है उसने ये दिखा दिया कि जीरो से भी हीरो बना जा सकता है। सब्जी बेचने वाला हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर, उसके बाप सब्जी का ठेला लगाते थे, उसने भी अपनी औकात दिखाई कि अच्छे गुणों में इतनी ताकत है कि सब्जी बेचने वाले का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है। अब ये भी मत समझना कि मुख्यमंत्री बनना जिंदगी की लास्ट सफलता है। मुख्यमंत्री बनकर भी शांति नहीं मिलती। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमण सिंह एरोप्लेन में मेरे साथ रायपुर से दिल्ली की यात्रा कर रहे थे। एक घंटा तक बात होती रही तो बोले इसमें शांति नहीं है। शांति का रिश्ता सांसद होने से भी नहीं, विधायक होने से नहीं। मंत्री, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति बनने से भी नहीं शांति। तुम जहां हो वहीं जब समझदारी आ जाती है, विवेक आता है, विचार करने की शक्ति पैदा होती है,
तो शांति का जन्म होता है। जो गम नहीं खा सकता वो कभी शांत नहीं रह सकता। जो क्रोध को कम नहीं कर सकता वो कभी सुख नहीं पा सकता। जिसका लालच खत्म नहीं हो सकता वो पाप करना छोड़ भी नहीं सकता। जो काम वासना को जीत नहीं सकता है वो व्यभिचार से दूर हो भी नहीं सकता है। ईश्वर भी उसे कंट्रोल करना पड़े। जो अभिमान छोड़ नहीं सकता है वो किसी को नमस्कार कर भी नहीं सकता है। अहंकार नमस्कार करने से भी रोक देता है। नम्रता सबको नमस्कार कर लेती है। सरलता सबसे प्रेम करना चाहती है। तो कबीर साहब से ये प्रश्न पूछा गया कि लंबी जिंदगी जीने का महत्व है कि छोटी जिंदगी जीने का महत्व है। संत कबीर कहते हैं न छोटी जिंदगी का महत्व है न लंबी जिंदगी का महत्व है। तो पूछने वाले ने पूछा तो किसका महत्व है? तो कबीर साहब कहते हैं उस जिंदगी का महत्व है जो जिंदगी ज्ञान के दीपक से प्रकाशित है। जिस जिंदगी में अज्ञान का अंधकार नहीं है, भटकाव नहीं है, कितने लोगों का मन रात में सोते समय भी भटकता रहता है और सवेरे लोगों को बताते हैं कि रात में स्वप्न में हम बॉम्बे की सैर करके आ गए। कितने लोग रात में मारपीट भी करते हैं सपने में, बहुत हफ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कितने लोग रात में सपने में बहुत जोर से कोई उनको रपटाता है और भागते हैं, बहुत पसीना पसीना हो जाते, दम फूल जाता और दौड़ नहीं पा रहे। जिसको रात में सपने बहुत आते हैं, जिनको सांप के सपने दिखाई देते हैं, तो समझ लीजिएगा कि मौत नजदीक है आपकी। जिसको मारू भैंसा का सपना दिखाई दे तो समझो यमराज जल्दी आने वाले हैं। और ये सपने तुम्हारी कल्पना से जन्म लेते।